तो हेलो एंड वेलकम गेमर्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरी न्यू वीडियो के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर हम फिर से सिमियन वाला मिशन करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर आप सब लोगों ने देखा होगा, हमने एक बाइक चोरी की थी और उसको हमने खुद का बना लिया था। वो पहले से ही चोरी की बाइक थी तो हमने उसको खुद ने ले लिया और अभी वो हमारी है। और अभी मैं जाने वाला हूँ सिमियन के पास में, टैक्सी वाले के पास हम चले चुके हैं यानी कि जा चुके हैं। और मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ मैप में जहाँ पर मिशन है सिमियन का, सिमियन को मैंने यहाँ पर पिन कर दिया और अभी हम जाने वाले हैं सिमियन के पास में। क्या मिशन रहने वाला है वो आपको पता लग जाएगा थंबनेल में। आप सब लोगों ने देखा होगा फ्रैंकलिन के ऊपर गन रखने वाला माइगल, एंड भाई क्या सीन रहने वाला है वो आपको पता लग ही जाएगा। एंड भाई मैप में यहाँ पे बारिश आई हुई है और जो टैक्सी वाला है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है मतलब GTA 5 के अंदर, कि आप टैक्सी वाले को कॉल करके भी बुला सकते हो या फिर किसी भी रैंडम टैक्सी वाले के पास जाकर जहाँ भी आप पिन कर दोगे वहाँ तक टैक्सी वाला छोड़ देगा। यहाँ पर गाइज पैसे भी कटने वाले हैं आपके गेम के बाद में, यानी कि जहाँ पर भी आप पहुँचोगे उसके बाद में आपके पैसे भी कट जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा पैसे नहीं कटते। लेकिन उससे अच्छी फ़ायदा ये है हमारा कि हम जहाँ पर मिशन डला हुआ है वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे टैक्सी वाले ने लगभग मेरे को सिमियन के पास में छोड़ दिया है। ये सिमियन का गैराज है लेकिन इसका जो है मुंह इस तरफ से बंद है, तो हमको जो है पैदल जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं सिमियन के पास में फटाफट से और भाई जाते हैं कि क्या मिशन हमारा रहने वाला है, कि माइगल हमारे ऊपर गन रखने वाला है वो क्या मिशन रहने वाला है वो आपको पता बहुत जल्दी लग जाएगा। तो अभी जो है गाइस मैं यहाँ पर सिमियन के पास में आ चुका हूँ एंड सिमियन जो है यहाँ पे कार वाले से बातें करने में लगा हुआ है। एंड क्या मिशन रहने वाला है, क्या मेरी बात होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो है मेरी यहाँ पर सिमियन से बात हो चुकी है एंड सिमियन बोल रहा है कि भाई हमको माइगल के घर जाना पड़ेगा और वहाँ से हमको एक कार चोरी करके लानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो है यहाँ पे सिमियन से यहाँ पर कार लेके गया था और ये जो चोरी करवाने वाला है कार को ताकि उससे डबल पैसे ले सके, माइगल से डबल पैसे ले सके। तो भाई अभी तो हमको जो यहाँ पे मिशन मिला है तो हमको जाना पड़ेगा। एंड गेम को अभी अभी हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे माइगल और जो फ्रैंकलिन रहने वाले दोनों फ्रेंड भी नहीं है, बाद में जा करके तो जो बहुत ही ज़्यादा खास फ्रेंड बन जाएंगे लेकिन अभी जो है फ्रेंड नहीं है। तो चलते हैं फटाफट से माइगल के घर में। एंड गाइस बारिश आई हुई है तो यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यानी कि बरसात की वजह से गाड़ी के जो टायर है जैसे हम गाड़ी को घुमाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट मार रहे हैं, तो हमको बहुत हिसाब से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। और माइगल का अभी घर बिल्कुल पास में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दूर यहाँ पर माइगल का घर है। तो फटाफट से हम चलते हैं माइगल के पास में, माइगल को बिना बताए हमको गाड़ी को चोरी करके लाना होगा, यानी कि गाइस बहुत ज़्यादा हिसाब से हमको घर के अंदर एंटर करना होगा और बहुत ही ज़्यादा हिसाब से गाड़ी को चोरी करके लाना है, यानी कि एक तरह से तो भाई घर के अंदर से गैराज के अंदर से चोरी करके लाएंगे तो बहुत ज़्यादा हिसाब से तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइस फटाफट से यहाँ पे माइगल के घर की तरफ पहुँचते हैं। और अभी जो है मैं लगभग माइगल के घर के करीब आ चुका हूँ एंड मेरे ख्याल से बरसात भी रुकने वाली है। और चलिए गाइस फटाफट से हमको एंट्री लेनी होगी माइगल के घर के अंदर बिना माइगल को बताए और बिना माइगल के किसी भी घर के मेंबर को बताए, यानी कि चोरी छुपे हमको जाना पड़ेगा क्योंकि चोरी करके गाड़ी लानी है तो भाई बहुत ही ज़्यादा हिसाब से जाना पड़ेगा। और अभी जो है मैं लगभग माइगल के घर में आ चुका हूँ, माइगल के घर में नहीं घर के पास आ चुका हूँ। एंड ये जो है माइगल का मेन गेट है लेकिन हमको मेन गेट से नहीं जाना है, पिछले गेट से मैं जाऊंगा और चोरी छुपे जाऊंगा। तो फटाफट से गाड़ी के अंदर से उतर जाते हैं और इस वाले गेट से चढ़ते हैं हमको ऊपर होके चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं एंड इधर से हमने जंप मारा और यहाँ पे गाइस हमको मेरे ख्याल से बहुत हिसाब से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है यानी कि दबे पैर हमको जाना पड़ेगा और इसको पता ना लग जाए, इसलिए इसको हमको सबसे पहले मारना पड़ेगा और इसकी हमको खोपड़ी पर एक पंच मारना है। तो चलेगा इस फटाफट से इसके बिल्कुल करीब चलते हैं और इसके जो है मैंने फटाफट पंच मार दिया है और ये जो है मेरे ख्याल से बेहोश हो चुका है, पर जो भी हुआ है वो यहाँ पर अभी हमारी मुसीबत हट चुकी है और अभी हमको जाना पड़ेगा इस गैराज के अंदर। तो गैराज को फटाफट से ओपन करते हैं, गाड़ी को उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गैराज मेरे ख्याल से ओपन नहीं हो रहा है तो अभी क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके पीछे साइड से खुलेगा क्या, ये कोई ना कोई तो तरीका होगा इसके अंदर जाने का। तो ये खिड़की के से तो खिड़की से तो क्या ही होने वाला है, एंड ये भी दूसरी तरफ भी खिड़की है तो भाई कहाँ से जाएंगे, क्या मेन गेट ओपन करूँ क्या, अंदर से भी तो होगा इसका रास्ता। तो चलिए गाइस मेन गेट को ओपन करके एक बार देख लेते कि ओपन होने वाला है या नहीं होने वाला। और भाई ये भी ओपन नहीं होएगा, भाई ये इस तरह से ओपन नहीं होने वाला है, कोई ना कोई तो रास्ता रहने वाला है क्योंकि मिशन मिला है तो कोई ना कोई रास्ता में रहने ही वाला है। तो फटाफट से चेक करते हैं कि हमको किस तरह से जाना पड़ेगा। तो इस तरफ हम चलते भाई और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे रास्ता होगा और हम गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से देखते हैं क्या, छत के ऊपर से बिल्कुल यहाँ पे चढ़ सकते हैं। और भाई साहब गेट ओपन है, खिड़की ओपन है, क्या ही रास्ता मिला है, मतलब देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। एंड मैं इसके अंदर यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ और यहाँ पे घर के मेंबर भी है, बिल्कुल आवाज़ आ रही थी इसीलिए मैंने पता किया और यहाँ पे घर के मेंबर ये दबे पैर हमको जाना पड़ेगा, गैराज के अंदर जाना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मिनी मैप है उसमें रास्ता दिखाई दे रहा है कि किधर किधर होके जाना है। तो अभी हम इस साइड में चलने वाले और अभी गैराज के अंदर जाना है तो इस साइड से रास्ता बिल्कुल है यहाँ पे गैराज का रास्ता। ओ भाई दो दो बंदे, मतलब
इस साइड से है ना रास्ता, हाँ इधर ठीक है, इधर होके चलते हैं। और हमको फाइनली गाड़ी दिख चुकी है, इस गाड़ी को हमको चोरी करना पड़ेगा। बिल्कुल गाइज, यहाँ पे हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ पे गेट भी ओपन हो चुका है, तो मतलब अंदर से डायरेक्टली ओपन हो गया, बाहर से ओपन नहीं हुआ। लेकिन खैर जो भी है, हमारा यहाँ पे काम बन चुका है, हमने गाड़ी को चोरी कर लिया है। माइकल की गाड़ी को हम लेकर आ चुके हैं और अभी हम जाने वाले सिमियन के पास में, गैराज में हम जाने वाले सिमियन के गैराज में। तो चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं यहाँ से, एंड सिमियन का भी कॉल आ चुका है तो कॉल को भी हम अटेंड करने वाले हैं। और चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं, और मेरे ख्याल से बरसात भी धीरे धीरे कम हो जा रही है ताकि हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी चलाने में, क्योंकि बरसात में गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि गाड़ी जो है ड्रिफ्ट करती है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ इस साइड से, एंड आपने देखा होगा कि माइकल की एंट्री भी हुई थी, तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे, कार को अच्छे से देखना, इसके अंदर माइकल खड़ा हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी के अंदर पहले ही छिपा हुआ था माइकल, आप देख पा रहे होंगे माइकल गाड़ी के अंदर पहले ही है, यानी कि माइकल पहले ही गाड़ी के अंदर छिपा हुआ था। भाई क्या ही यहाँ पे सीन है, यानी कि माइकल को ये डिटेल पहले ही पता थी कि सिमियन यहाँ पे गाड़ी को चोरी करवाने वाला है। माइकल है भाई, माइकल को हल्के में बिल्कुल मत लेना, माइकल छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है भाई, इससे हम खुद GTA 5 खेलने वाले, तो भाई माइकल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। इसको आराम से पता लग गया है यहाँ पे कि यहाँ पे गाड़ी चोरी होने वाली है, तो ये पहले ही गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। और अभी हम जाने वाले सिमियन के पास में, जो माइकल है वो भी हमारे साथ में चलने वाला है। माइकल ने यहाँ पे गन को जो है फ्रैंकलिन के सर पर लगा दिया, और अभी जो फ्रैंकलिन है वो ले जाने वाला है माइकल को सिमियन के पास में, और सिमियन के साथ में क्या सीन होने वाला है वो तो आपको पता लग ही जाएगा, वो आप सब लोग अभी समझ पा रहे होंगे। भाई गाड़ी चोरी करवाई है यहाँ पे माइकल की सिमियन ने, तो माइकल जो है क्या हाल करने वाला है सिमियन का, वो आपको खुद को पता लग जाएगा जब माइकल जाएगा सिमियन के पास में, और बहुत ही जल्द जाने वाला है क्योंकि हम जो है माइकल को फ्रैंकलिन के साथ में ले जाने वाले हैं सिमियन के पास, और बहुत ही जल्द जो है हम वहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसे कि यहां पर देख पा रहे मार्क आ चुका है, और मार्क जो है मिनी मैप में ज्यादा आगे नहीं है, तो फटाफट से चलते हैं मार्क के पास में, और भाई देखते हैं कि क्या सीन रहने वाला है। भाई माइकल बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारने वाला है सिमियन को, यह आप खुद आइडिया लगा सकते हो क्योंकि भाई माइकल की गाड़ी चोरी भाई है यहां पर। तो अभी आप सब लोग सीन देख पा रहे होंगे, यहां पर माइकल ने जो है गन लगा दी है फ्रैंकलिन के पास में, और अभी ये दोनों बातें करने में लगे हुए हैं, और इन दोनों में जो बात चल रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे माइकल बता रहा है कि उसके साथ में काम मत कर, मेरे साथ में काम कर, और मैं इसके बदले में तुमको पैसा भी देने वाला हूं, और मैं उसको बुरी तरह से मारने वाला हूं क्योंकि वो मेरी गाड़ी चोरी करने वाला है। सॉरी गाइस, क्योंकि मैंने यहां पे बोल दिया कि गाड़ी चोरी करवाने वाला है, जबकि गाड़ी चोरी करके फ्रैंकलिन लेकर आ चुका है पहले ही, और अभी जो हमने यहां पे सीधा विंडो में मारा है और सीधा खिड़की को तोड़ दिया है। और इन दोनों में क्या बातें हुई थी वो मैं आपको अच्छे से भी समझा सकता था, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। और माइकल ने फ्रैंकलिन को पैसे भी दे दिए, और फ्रैंकलिन जो यहाँ पे चला चुका है, यानी कि चला जा चुका है, और अभी जो माइकल रहने वाला है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारने वाला है सिमियन को, क्योंकि सिमियन ने इसकी गाड़ी को चोरी करवाया है, और जो माइकल है वो हमारा खुद का कैरेक्टर है, तो भाई इसकी गाड़ी को चोरी करवाया है तो उसको तो मारना बनता ही था। तो यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे होंगे बुरी मौत है पे मार दिया है, और अभी जो माइकल कैरेक्टर वो हमारा अनलॉक हो चुका है, जैसे कि इससे हमने पहले भी गेम प्ले कर लिया था। गेम का स्टार्टिंग मिशन यहाँ पे माइकल का ही कैरेक्टर था, हमने बैंक की रॉबरी की थी। अगर आपने नहीं देखी है मेरी पिछली वीडियो तो आप सब लोग मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा कमाल कमाल की वीडियोस है। एंड ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर इसी तरह की गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद है तो, और अगर आपको और भी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो कि किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।